पर श्री करणपुर से है। आपको बता दें श्री करणपुर में विगत 2 माह पूर्व चर्चित युवती के देह शोषण का एक वीडियो जो है संगीन मामला सामने आया है, जिसमें फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को भूमिगत होने के प्रकरण में पुलिस ने तलाश के लिए कई जगहों पर पोस्टर भी चस्पा कर दिए हैं। आपको बता दें कि बातचीत के दौरान अधिकारी बलवंत नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्तों की फोटो विभिन्न स्थानों पर लगा दी गई है। गौरतलब है कि उक्त प्रकरण में हाल ही में पीड़ित युवती ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर अपनी जान माल की सुरक्षा सहित न्याय की भी गुहार लगाई थी। वहीं इस मामले में हालांकि पुलिस ने महावीर जाट नामक एक अभियुक्त को राउंडअप भी कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। गंगानगर है, मेरा नाम निशा बालोटिया है, मैं श्री करणपुर से हूँ। मैं वही लड़की हूँ जो आज से 1.5 महीना पहले जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी। मैं रेखर जाति से हूँ। मैं रेखर जाति का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यही अगर बड़ी कास्ट की लड़की के साथ अस्तर ऐसा हुआ होता ना, तो अब तक बाजार बंद कर दिए होते, धरने लगे होते, चक्के जाम कर दिए होते। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने मेरा रेप किया, बलात्कार किया, मेरी भी ब्लैकमेल किया, मेरी वीडियो वायरल की, वो श्रेआम खुलेआम घूम रहे हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा। वो रहने वाले श्री करणपुर के हैं, जिनका नाम है साहिल अरोरा, महावीर जाट, जगतार सिंह चोल। वो अपने राजनीतिक पावर से जहाँ भी मैं अपील करती हूँ, करणपुर की पुलिस भी उनसे मिली हुई है। मैं गंगानगर SP के पास गई, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। मैं बीकानेर IG के पास गई, वहाँ भी वो अपने पैसों के बल पे, अपने राजनीतिक बल पे, वो कैसे न कैसे अब निकल जाते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों से ये अपील करती हूँ, प्लीज़ मुझे न्याय दिलवाओ। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरा घर परिवार सब बर्बाद हो गया, मेरी करियर, मेरी ज़िंदगी सब बर्बाद होगी। वो शरेआम घूम रहे हैं खुलेआम।